हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सी फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो कैसे हैं सब लोग? और हाँ यार, मैं आपका पोस्ट अपने यूट्यूब पे नहीं कर पा रहा, आपका फोटो पोस्ट, क्योंकि यार बहुत लोग भेज रहे हैं, 8 से 10 लोग भेज रहे हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मैं मेरे इंस्टा पे कर रहा हूँ फोटो पोस्ट, और मैं काफी तरीके में, मतलब बहुत ही लोगों ने मुझे भेजा, तो मैंने सबका पोस्ट किया एक साथ 8 से 10 लोग। तो गाइस, आप तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो और आप वहाँ पे मुझे जाके अपना फोटो भेज सकते हो। और मैं भी देख रही हूँ अरे बिरयानी की भी फोटो आती है कभी कभी, इस वक्त इतना टाइम माशाल्लाह इतना प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी बेटी देखिए, कोई सीख तो रहे, कुछ बना तो रहे, मेरा देख के अच्छा लगता है। तो आज भी क्या बनाएंगे बताओ? क्या आज हम भी बनाने वाले हैं चिकन के कबाब। चिकन के कबाब फटाफट वाला, चलो फिर देखते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या ऐड करेंगे। तो चिकन कबाब बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया 1.5 किलो चिकन, फिर उसके बाद है ये फ्राई ऑनियन यानी कि तला हुआ प्याज, उसके बाद हमें लगे एक वाटी चने का आटा, एक अखा ऑनियन, और यह अखा धनिया, काली मिर्च, शाजीरा, इसको हमने अच्छे से पीस लिया है थोड़ा सी दरदरा, और यह जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कोथमीर, और यह एक ऑनियन, 3 से 4 ग्रीन चिली, इसमें से हमें लगेगा हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और एक अंडा, घर का गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, नमक और ऑयल। तो सबसे पहले हम ले लेंगे अपना चिकन, उसमें ऐड करेंगे एक प्याज और 2 से 3 चिली। ये चिकन हमें पीसना है मिक्सर में अच्छे से बारीक, और फिर इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर ये चिकन को हम पीस लेंगे, और पीसने के बाद आपको इस तरीके का कुछ चिकन दिखेगा। फिर इसके बाद आपको एक बड़ा सा बॉल लेना है, यानी कि आप एक बड़ा सा टोप भी ले सकते हो, उसमें इस चिकन को डालना है, और फिर उसके बाद ऐड करना है एक प्याज यानी कि एक कांदा, फिर उसके बाद आपको डालना है फ्राई ऑनियन यानी कि तला हुआ कांदा, फिर इसके बाद आपको डालना है अखा धनिया, काली मिर्च, शाजीरा का जो हमने मिक्स करके रखा हुआ पाउडर था वो ऐड किया है, फिर उसके बाद जाएगा कोथमीर यानी कि कोरिएंडर, फिर इसके बाद हम डालेंगे अपना चने का आटा जो कि एक वाटी हमने लिया था, फिर उसके बाद जाएगी 1 चम्मच मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर, और फिर लास्ट में जाएगा हल्दी का पाउडर। उसके बाद हमें ऐड करना है काली मिर्च पाउडर, और फिर लास्ट में जाएगा नमक, या आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो, वैसे तो हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। और फिर ये जाएगा घर का गरम मसाला, और इसकी भी रेसिपी आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगी। और ये गया 2 चम्मच तेल, अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम भी तो हाथ से मिक्स करते हैं, बट डिपेंड करता है आपको किससे अच्छा मिक्स करने जमे। तो ये देखिए, हमारा आधा मिक्स होने के बाद इसमें ऐड करना है एक अंडा फेटा हुआ, और इसे ऐड करने के बाद इसे फिर थोड़ी अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो ये देखिए कैसा मिक्स करना है, और ये मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिर उसके बाद आपको एक कढ़ाई या तो फिर एक पैन लेना है, उसमें आपको डालना है तेल, और तेल गर्म होने तक के आपको अपने कबाब के यानी कि जो चिकन का मसाला है उसे कबाब का शेप देना है जब तक आपका तेल गर्म हो रहा है। और ये देखिए किस तरीके से आपको शेप देना है कबाब के लिए, ये देखिए, और जब तक आपका तेल गर्म हो रहा है आप जब तक 2 से 4 कबाब ऐसे बना के रख दीजिए, और तेल गर्म होने के बाद बड़ी आराम से तेल में कबाब डालिए, क्योंकि तेल गर्म हो जाएगा तो आपके हाथ पे तेल नहीं उड़ना चाहिए, इसीलिए कबाब आपको बहुत ही आराम से डालना है। ये देखिए मम्मी कैसा डाल रहे हैं, और इसके बाद 2 से 2.5 मिनट इसी तरीके से आपको कबाब को कुक होने देना है,
बड़ी आराम से फिर इसे हिलाना है। दो से ढाई मिनट के बाद इसे हम पलटी करेंगे ताकि जो पीछे का हिस्सा है वो अच्छे से कुक हो जाए। और इसे पलटी करने के बाद आपको एक से डेढ़ मिनट ही इसे कुक करना है। टोटल टाइमिंग है आपका 3 से 4 मिनट में आपके कबाब रेडी हो जाएंगे। देख सकते हो आपके कबाब 3 से 4 मिनट के बाद किस तरीके के दिखेंगे। और ये कबाब पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं, अपना कलर भी चेंज कर लिया इन्होंने। तो ये रहे आपके कबाब रेडी हो चुके हैं। तो मैं समझ सकता हूँ गाइज़, आज आप अम्मी की आवाज़ को मिस कर रहे होंगे, बट क्या करें, आज माइक में कुछ प्रॉब्लम हो चुका था तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लगी होगी, इरीटेट ना करी होगी। तो ये देखिए आपके कबाब रेडी हो चुके हैं। आप अपना ख्याल रखो।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए गाइस बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।